Hey students, welcome back to our channel. आज हम start करेंगे अपना next chapter जिसका नाम है force and motion, बल तथा गति. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें अपना topic लेंगे motion. motion जिसे हिंदी में कहते हैं गति. motion क्या होता है? जैसे आप normally देखते हैं कि कोई चीज़ अगर चल रही है, गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है, पक्षी उड़ रहा है, तो आपके हिसाब से वो चीज़ गति में है. और अगर जैसे कोई किताब अपनी जगह पर रखी है, चेयर अपनी जगह पर रखी है, तो चीज़ गति में नहीं है. अगर हम गति को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मोशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, अच्छी बात है. लेकिन आप बाहर खड़े हैं, आपने एक ट्रेन को जाते हुए देखा, तो आप कह रहे हैं कि ट्रेन गति में है, मोशन में है. लेकिन जो पैसेंजर उसके अंदर बैठा है, उसको तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो उसके अंदर बैठा है ना, उसके रिस्पेक्ट में वो ट्रेन आगे नहीं जा रही है. आप जहाँ खड़े थे वहाँ से आपको लग रहा है कि ट्रेन आगे जा रही है, लेकिन जो पैसेंजर उसमें बैठा हुआ है और बाहर नहीं देख रहा है, उसको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि वो कहीं जा रही है. उसको ये फीलिंग तब आएगी जब वो विंडो से बाहर देखेगा कि हाँ, ट्रेन जा रही है. तो सबसे पहली चीज़ जो हमें गति के बारे में ध्यान रखनी है, वो ये है कि यह रिलेटिव होती है. रिलेटिव मतलब आप किस रेफरेंस में देख रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि वो चीज़ आपको गति में दिखाई देगी या गति में दिखाई नहीं देगी. दैट इज़ मोशन इज़ रिलेटिव इन नेचर. अब देखते ये हैं कि अगर गति रिलेटिव मोशन है, तो किसके रिलेशन में है? इसके लिए हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखिए, ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए हमने हिंदी में वीडियो जरूर बनाए हैं. जो टर्म्स आप पहले से हिंदी में जानते हैं, उन्हें हम हिंदी में बोलेंगे. जो टर्म हमें नई सीखनी है, उन्हें हम ऑलरेडी इंग्लिश में ही सीखेंगे. ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप पहली बार सुन रहे हैं, समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है. हमारे पास, आपको बताया कि हम मुख्यतः तीन दिशाएं लेकर चलते हैं. तो मैं ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हूँ, जिसमें यहाँ एक्स डायरेक्शन होती है, यहाँ वाई डायरेक्शन होती है, और यहाँ जेड डायरेक्शन होती है. जेड डायरेक्शन मतलब कि बाहर निकला हुआ. एक, दो और तीन. और तीनों आपस में कैसी होती है? परपेंडिकुलर. यानी तीनों के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. ठीक है, अगर तीनों के बीच का एंगल बनाए तो तीनों आपस में 90 डिग्री में. और ये जो बीच का पॉइंट है, इसे कहते हैं ओरिजन. ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया आपका ओरिजन. ठीक है, तो हम इस फ्रेम, ये हमारे लिए फ्रेम हो गया, इसके सापेक्ष में, इसको केंद्र मानकर हम ये देखेंगे कि कोई चीज मूव कर रही है, नहीं मूव कर रही है. अगर मूव कर रही है तो कहाँ मूव कर रही है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें तीन दिशाएं हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन. अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन. ठीक है, 3D में ये होगा. जेड डायरेक्शन बाहर की साइड पर आ रहा है आपका. अगर कभी दिशा इस तरफ हुई तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस एक्स से. नीचे की तरफ हुई तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस वाई से. और जेड के पीछे हुई तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस जेड से. ठीक है, अब अगर कोई कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लीजिए आपके घर से आपकी गाड़ी निकली और बिल्कुल सीधा जा रही है, तो हम इस बिंदु पर, इस ओरिजिन पर आपके घर को इमेजिन कर लेंगे. वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा कि हाँ, गाड़ी यहाँ से निकली है और एक ही दिशा में आपकी गाड़ी आगे जा रही है. ठीक है, अब क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन. डायमेंशन मतलब दिशा. तो मोशन कितने प्रकार के हो गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर? पहला हो गया वन दूसरा हो गया 2D. डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन, डायमेंशनल को. और फिर हो गया 3D मोशन.
ठीक है, तो अभी तक यहाँ पर आपने क्या देखा? गति का एक डेफिनेशन भी लिख देते हैं हम। यदि कोई वस्तु फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष अपनी पोजीशन को चेंज करती है समय के अनुसार, तो वह गति में कहलाती है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अब मोशन तीन तरीके के बेसिक हो गए, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशन। अगर सिर्फ एक ही दिशा में मूव कर रही है तो वन डायमेंशन होगा। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी यहां जा रही है, अगर आपकी गाड़ी यहां जा रही है तो एक ही साथ साथ आप देखेंगे कि ये इस तरफ भी बढ़ रही है और इस तरफ भी बढ़ रही है, इस तरफ भी बढ़ रही है और इस तरफ भी बढ़ रही है। तो दोनों दिशाओं में इसकी गति है, तो इसको बोलेंगे टू डायमेंशनल। और थ्री डायमेंशनल, जैसे तितली का उड़ना, तितली ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ उड़ सकती है, तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, यानी कि वो तीनों दिशाओं का प्रयोग कर रही है। ठीक है, अब जब हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो इसमें मोशन को समझने के लिए, यानी गति को समझने के लिए, न्यूटन ने गति के तीन समीकरण दिए हैं, मोशन के तीन इक्वेशन दिए हैं। देखते हैं वो तीन इक्वेशन क्या हैं। उन तीन इक्वेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूटन के गति के समीकरण। न्यूटन के दो कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यूटन के गति के नियम और एक उसके गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन वन डायमेंशनल के लिए है ये। पहला इसमें आपका इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, वेयर जहां पर v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग। a एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। और t is time, यानी कि समय। इस इक्वेशन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? अगर आपको प्रारंभिक वेलोसिटी पता है, मान लीजिए किसी गाड़ी ने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया, 1 घंटे तक चली, उसमें कुछ एक्सेलरेशन हुआ, तो हम ये बता सकते हैं कि उस समय के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ये है आपका गति का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सभी सिंबल पुराने हैं सिवाय s के। s क्या है? s है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
जिसको विस्थापन कहते हैं। अगर आपको ये बताया जाए कि कोई गाड़ी कितनी स्पीड से शुरू हुई, कितनी देर तक चली, कितना उसका त्वरण था यानी कि एक्सेलरेशन था, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं उस गाड़ी की। ठीक है, नेक्स्ट, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सभी सिंबल आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और विस्थापन, यहां पर सभी लिखे हुए हैं। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब 1D के लिए तो ठीक है कि अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मान लीजिए ये 2 किलोमीटर पर आर के हिसाब से जा रहा है, फिर ये अगर 4 किलोमीटर पर आर के हिसाब से जा रहा है, तो वेलोसिटी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना इजी है। बट अगर 2D मोशन की बात करें, तो हमें ज़रूरत होगी वेक्टर की। ठीक है, तो वेक्टर का हम देखते हैं कि कैसे उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट थिंग इज वेक्टर। हम बार बार वेक्टर और स्केलर वर्ड का यूज करेंगे, देखते हैं कि हिंदी में क्या है वेक्टर और स्केलर। एक होता है वेक्टर, हिंदी में कहते हैं सदिश। एक होता है स्केलर, हिंदी में कहते हैं अदिश। वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी हो तथा डायरेक्शन दोनों उपस्थित हो। वेक्टर इज जिसमें मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों हो। अ वेक्टर इज नोन एज अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अदिश क्या है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड उपस्थित हो, उसे अदिश कहते हैं। अदिश यानी दिशा के बिना, सदिश यानी दिशा के सहित, इसमें दिशा भी होगी। एग्जाम्पल क्या है इसका? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और अदिश के एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर। ठीक है, जो भी आपका चाल, दूरी, तापमान, ये सब अदिश हैं। क्योंकि अगर आप किसी से तापमान पूछते हैं, तो आपको बताते हैं कि 35 डिग्री, वो ये नहीं बताते कि किस दिशा में है। लेकिन अगर आप किसी से डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे या वेलोसिटी पूछेंगे, तो इसमें दिशा भी साथ में होगी। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे हम इनको दर्शाएंगे? जैसे स्पीड है, अगर आप उसको एस से लिख रहे हो, तो सिंपल एस से ही लिखोगे उसको। लेकिन अगर आप किसी वेक्टर को लिख रहे हैं, तो अगर आपने लिखा है वेलोसिटी, तो आप उसके ऊपर ऐसा एक साइन लगाते हैं, ये होता है वेक्टर का साइन। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या, आपने देखा। अब हम वेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे इसको प्लस या माइनस किया जाता है, क्योंकि नंबर्स को तो हम सीधा ही प्लस या माइनस कर सकते हैं। वेक्टर, सदिश, रिप्रेजेंट किए जाने का तरीका, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। इसके पास दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर हमें सिर्फ इसका डायरेक्शन डायरेक्शन बताना है,
तो उसको ऐसे ऊपर कैप लगा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख देते हैं, हमने तीन डायरेक्शन पढ़ी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है यानी कि जो दिशा को दर्शाता है वो आई कैप होता है, y के लिए j कैप होता है और z के लिए k कैप होता है। ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया। अब उसके बाद हम ग्राफिकली देखते हैं कि इन्हें ऐड कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, जोड़ा कैसे जाएगा। यदि दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर a है और एक वेक्टर बी है, मुझे इन दोनों को प्लस करना है, जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के मेरे पास दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं एडिशन के हमारे पास? एक तरीका तो है पैरेललोग्राम लॉ, एक तरीका है पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा तरीका है ट्रायंगल लॉ। इन दोनों ही तरीकों से हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं। देखते हैं पहले पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि जिन दो वेक्टर को आपको जोड़ना है उन दो वेक्टर का टेल, पिछला भाग आप एक बिंदु पर रखें और फिर उन्हीं के समांतर एक एक उनके टिप को आगे बढ़ाएं। जैसे यहां पर मैंने ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ किया और बी वेक्टर के पैरेलल यहां एक वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब इसका जो विकर्ण होगा वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा, यानी कि वो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू देगा। एक बार फिर से देखेंगे क्या किया है, दो वेक्टर को जोड़ना है, ए और बी दो वेक्टर हैं, इनको जोड़ना है। दो तरीके हैं हमारे पास, एक है पैरेललोग्राम लॉ और एक है ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, दोनों वेक्टर के पिछले भाग को एक बिंदु पर रखा जाता है, एक पॉइंट पर दोनों के टेल को रखेंगे, उनके पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा, वो आपको वो बराबर होगा आपका ए प्लस बी के। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया जोड़ने का। दूसरा है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, अगर आप एक वेक्टर ए और जो दूसरा वेक्टर बी है उसको यहां नहीं, उसको इसके टिप पे रखना है, उसको ऐसे रखना है बी को। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में ध्यान देना है कि एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पर रखना है, तो ऐसा करने पर, ये एक ही दिशा में है ना, ऐसा करने पर इन्हें जो इन्हें ट्रायंगल बनाने के लिए जो एक लाइन हमें बनानी पड़ेगी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो आपको ए प्लस बी की वैल्यू देगा। ठीक है, एक बार फिर से देखें ट्रायंगल लॉ क्या है। ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं सेम डायरेक्शन में, ये दोनों एरो इधर है, तो अगर हम क्रम में चलते तो तीसरा एरो इधर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, तीसरा एरो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो तीसरी लाइन है जो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें बनानी पड़ी है वो आपको रिजल्टेंट देगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का। ठीक है, एडिशन के दोनों लॉज हो गए आपके। और एक चीज और आप देख लेंगे कि किसी वेक्टर का ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, तो जब हम अगर लिखेंगे कहीं पे तो आपको हेड और टेल इस तरीके से इसका पहचानना है। अब बात करते हैं घटाने की। अगर हमें एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाना है तो कैसे घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन
subtraction of vectors. देखिए अभी जैसे हमने कहा था कि अगर ये x डायरेक्शन है तो ये क्या हुई माइनस x डायरेक्शन. अगर ये वेक्टर एक मैंने ड्रॉ किया वेक्टर b, तो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो वो क्या हो जाएगा माइनस का b वेक्टर, क्योंकि वेक्टर मतलब सदिश, सदिश मतलब दिशा के सहित. तो अगर हम इसकी दिशा बदल दें तो उस पर फर्क आएगा, और वो फर्क कैसे दिखाई देगा, उस नेगेटिव साइन से दिखाई देगा, इस ऋणात्मक चिन्ह से दिखाई देगा. ठीक है, तो अगर हमें वेक्टर ए में से माइनस करना है वेक्टर बी को, तो हम क्या करें, हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना कि वेक्टर ए में प्लस कर दो माइनस बी को, प्लस माइनस माइनस एक ही बात है. तो इसको कैसे करेंगे हम, जो वेक्टर ए हम ड्रॉ करेंगे उसमें वेक्टर बी को माइनस करना है ना, तो माइनस बी वेक्टर, मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर है, मुझे माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस वेक्टर को माइनस करना है पहले उसका नेगेटिव वेक्टर आप ड्रॉ कर लो. अगर ये बी है तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया. ठीक है, और फिर माइनस बी और ए को जोड़ दो, वही बात हो जाएगी. तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आप कौन सा नियम लगा सकते हैं, अब इन दोनों का टिप टेल एक जगह है ना दोनों का, तो टेल एक जगह है तो कौन सा लगाना ठीक रहेगा, पैरेललोग्राम. आप इस तरह से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और फिर इन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट से निकलने वाला जो विकर्ण होगा आर, वो आपके बराबर होगा ए प्लस ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर कितना है माइनस बी वेक्टर. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर लेकर के पहले वाले वेक्टर में ऐड कर देना है. तो ये हो गया आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं इसमें कि वेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से लॉज को फॉलो करते हैं. पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ा जाए या वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ा जाए, दोनों बातें बराबर हैं. जैसे नंबर्स में होता है 2+3 5, 3+2 5, आप नंबर को जोड़ें आगे पीछे करके फर्क नहीं पड़ता. एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि अगर आपको तीन वेक्टर जोड़ने हों तो आप पहले ए बी को जोड़ के फिर उसमें सी जोड़ दें, या पहले बी सी को जोड़ के फिर उसमें ए जोड़ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यह है एसोसिएटिव लॉ. जैसे नंबर्स में अगर आपको तीन नंबर जोड़ने हैं तो पहले आप 4+2 करें या 5+1 करें, आपका आंसर बराबर ही आएगा. तो उसी तरीके से वेक्टर भी जो है इन दोनों लॉ को फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, अभी तक हमने देखा कि दो वेक्टर्स थे, हमने उनको जोड़ा, हमने उनको घटाया, हमने उनके प्रॉपर्टीज देखे, और हमने देखा कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन होता है. तीन डायरेक्शन हमारे पास है, एक्स वाई जेड. एक्स का यूनिट वेक्टर आई है, वाई का जे है, और जेड का के है. आगे देखते हैं, अगर दो वेक्टर को, ये तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, अगर हम मैथमेटिकली बात करें, लेट सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये आपस में थीटा एंगल पे हैं. ठीक है, इनका कुछ मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं. मान लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है इसको इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को ऐसे मोड लगा करके, ये दोनों लाइंस को क्या कहते हैं, मोड, मोड लगा करके हम उनका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं. मान लीजिए इनका रिजल्टेंट जो है वो
आर वेक्टर है। तो मैथमेटिकली, अब मैं ग्राफिकली नहीं मैथमेटिकली बात कर रही हूँ कि अगर हम कैलकुलेशंस करें तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा? आर वेक्टर निकलेगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल रिजल्टेंट निकालने का ये तरीका है। अगर आपको दो वेक्टर्स पता हैं जो थीटा एंगल पे वर्क कर रहे हैं, आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसे याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है देखते हैं। ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, बीच में कहीं बना है एक वेक्टर, लेट से वेक्टर a, ठीक है। तो रिजोल्यूशन का मतलब है कि हम इस वेक्टर को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से दो भाग होंगे? मान लीजिए यहां x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इसका एक भाग तो हम इस दिशा में ले लेंगे और एक भाग ले लेंगे हम इस दिशा में। किसी भी वेक्टर के हम दो टुकड़े कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। वेक्टर ए के एक्स डायरेक्शन में आए हुए भाग को हम कह देते हैं ए एक्स, और वाई डायरेक्शन में आए हुए भाग को हम कह देते हैं ए वाई, ठीक है। अब ये ए एक्स भाग किसके बराबर होगा और ए वाई भाग किसके बराबर होगा देखेंगे। जो कंपोनेंट थीटा के साथ आ रहा है, जो हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, जब भी इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आगे के डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में, जो भाग थीटा के साथ आ रहा है वो होता है ए कॉस थीटा, ठीक है। जो भाग थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में है, वो होता है ए साइन थीटा, ठीक है। और ए वेक्टर और ए एक्स और ए वाई का क्या रिलेशन है आपस में? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू इसका ए एक्स कॉम्पोनेंट और ए वाई कॉम्पोनेंट के स्क्वायर का रूट, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन कैसे निकलेगी यहां पर? थीटा से। तो वो कैसे निकलेगी? मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन वन है, तो सेकेंड को वन से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन में ए एक्स, ए से कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा ए वाई अपॉन में ए एक्स, ठीक है। यहां से थीटा कितना हो जाएगा? यहां से थीटा हो जाएगा 10, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें याद रखने हैं। क्या याद रखना है? कि हम किसी वेक्टर के दो भाग कर सकते हैं, उनमें से एक भाग x डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में। जो भाग थीटा के साथ आएगा वो होगा a cos थीटा, जो भाग थीटा के दूसरी तरफ होगा वो होगा a sin थीटा। अगर हमें दोनों कंपोनेंट्स पता हैं तो वेक्टर का वैल्यू कैसे निकलेगा? x डायरेक्शन का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन के कंपोनेंट का स्क्वायर। और अगर हमें थीटा निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? tan थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ये ए वाई अपॉन ए एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लाल बटे कक्का से आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में 10वीं क्लास में पढ़ा है। तो थीटा आ गया टेन इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद वेक्टर्स में दो चीजें और होती है, एक है क्रॉस प्रोडक्ट और एक है डॉट प्रोडक्ट। देखते हैं क्या है क्रॉस प्रोडक्ट और क्या है डॉट प्रोडक्ट।
जैसे हम नंबर को सिंपल गुणा कर लेते हैं, वेक्टर सिंपल गुणा नहीं होते, या तो होते हैं डॉट या होते हैं क्रॉस, क्रॉस या डॉट। ठीक है, लिखने का तरीका देखते हैं। अगर एक वेक्टर ए दूसरे के साथ डॉट लगा हुआ है तो इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, जहां पर थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। अगर लगा है बीच में क्रॉस तो वो लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर स्केलर आता है और इसका आंसर वेक्टर आता है। एक एक एग्जांपल लेते हैं दोनों का। मान लीजिए मैं ए वेक्टर को लेती हूं, मैं वेक्टर ले रही हूं, तो मैंने आपसे कहा कि वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी हो सकता है। तो मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स ले रही हूं, ये एक्स डायरेक्शन में है इसका मैग्नीट्यूड, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमने क्या बताया था कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। जिसके पीछे आई कैप लगा होगा तब हमें पता चलेगा कि वो एक्स डायरेक्शन में है। माइनस थ्री मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन क्या है, इसके पीछे लगा दिया मैंने जे कैप। जे कैप क्या बताता है, वाई डायरेक्शन को बताता है। प्लस वन या इसको प्लस टू ही कर देते हैं। के कैप, के कैप क्या बताता है कि ये जेड डायरेक्शन में है। इसी तरह बी को लेते हैं, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये दो ये वेक्टर्स को लिखने का तरीका है, क्योंकि कोई वेक्टर जो है वो तीन डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और के लिए जेड के लिए के कैप। तो इनका डॉट कैसे करेंगे, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे डॉट करने के लिए आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तीन दुनी छः। जे वाले को जे से करते हैं, माइनस का तीन और दो माइनस का छ, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का दो। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर तीन दुनी छ और आई इंटू आई था, तो आप एक चीज को यहाँ पर ध्यान रख लेंगे कि आई डॉट आई बराबर में जे डॉट जे बराबर में के डॉट के बराबर में वन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट करने के लिए। आई का आई के साथ डॉट वन होता है, जे का जे के साथ डॉट वन होता है, के का के साथ डॉट वन होता है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो तीन दुनी छः और आई डॉट आई वन। ठीक है, तो ये कितना आया आंसर, माइनस टू। माइनस टू एक अदिश राशि है, एक स्केलर है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो कभी भी अगर आपको पेपर में दो वेक्टर देकर बोले कि ए डॉट बी निकालो, तो करने का क्या तरीका है, आई वाले को आई वाले के साथ गुणा करना, जे वाले को जे वाले के साथ करना, के वाले को के वाले के साथ करना और सॉल्व करके आंसर लिख देना। ठीक है, ये आपका हो गया स्केलर प्रोडक्ट। अब लेते हैं एग्जांपल वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी ले लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट जिन्होंने ट्वेल्थ किया नाम सुना होगा, जो टेंथ के बच्चे वो मैथ्स में सुनेंगे इसका नाम। ऐसा एक दो डंडी लगाकर आपको एक कॉलम तैयार करना है, जिसके पहले कॉलम में आपको लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, उसके बाद पहले वाले वेक्टर के जो कोफिशियंट्स हैं, जैसे इसका कोफिशियंट कितना है टू,
यहाँ कितना है माइनस का 3, 4, 1, 1, 1 पूरा हो गया। तीन रो है इसमें और तीन ही कॉलम है इसमें। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप पहले वाला रो सेलेक्ट करेंगे आई, उसके साथ कुछ ब्रैकेट लगाएंगे, जे उसके साथ कुछ ब्रैकेट लगाएंगे, के और उसके साथ कुछ ब्रैकेट लगाएंगे, साइन लगाएंगे अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पहला रो सेलेक्ट करेंगे आई जे के, उनके साथ एक एक ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस। अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। आई के लिए जब मैं ब्रैकेट निकाल रही हूं तो आई का कॉलम छोड़ दीजिए और आई का रो छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके पास चार नंबर बचेंगे, ये चार नंबर बचेंगे अगर आप ये छोड़ देते हैं और ये छोड़ देते हैं, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 3 into 1 - 3, फिर माइनस का साइन लगाना है 4 into 1 - 4, ठीक है। ऐसे ही जे के लिए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, जे के कॉलम को छोड़ देंगे, जे के कॉलम को अगर आप छोड़ देते हैं, आप अगर ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो ये चार नंबर आपके पास बचते हैं, जिसमें से आप कैसे करेंगे, पहले 2 को 1 से माइनस का साइन लगाएंगे, 1 का 4 से, ठीक है। इसी तरीके से आप के लिए निकालेंगे, तो जब के लिए निकालेंगे आप, तो के का रो और के का कॉलम छोड़ देंगे, ये छोड़ा आपने के का रो और ये छोड़ा आपने के का कॉलम, तो आपके पास ये चार नंबर बचे। इसका इससे गुणा माइनस, 2 आया माइनस, इसका इससे गुणा माइनस का 3 आ गया, ठीक है। ये हो गया माइनस का 7 i, ये कितना हो गया माइनस का 2 और बाहर खुलेगा माइनस माइनस, प्लस का 2 j कैप, ये कितना है माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 k कैप, तो ये आपका फाइनल आंसर आया। अब अगर आप अपने फाइनल आंसर को देखेंगे तो ये एक वेक्टर है, नंबर तो नहीं है ये, इसमें तो डायरेक्शन भी है ना, x y z i j k, तो ये आपने देखा है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंटिन्यू करेंगे हम अपने इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप रिवाइज करके रखें ताकि आप आने वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे उसमें जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आप उसको समझ पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।